सगाई खातिर परसों के मुहूर्त अति उत्तम बा। That's perfect. परसों के मुहूर्त परफेक्ट होगी। लेकिन विक्रांत, घर पे सरदा जी के माँ बाबू जी दादी सबके बतावे के बाद आज बात कर ली ना। आई डोंट थिंक एनी विल हैव एनी प्रॉब्लम। राज, इस सगाई के बाद आपकी पत्नी हमार हो जाएगी। It's a deal then. कौन सा तारीख तय भाई? अरे का कहिले विक्रांत जी के पंडित जी, अरे कब के मुहूर्त निकलने बड़े सगाई के? परसों बा सगाई। मुरली मनोहर, परसों? इतना जल्दी? अगला 6 महीने तक कोनो मुहूर्त नहीं खिका? अरे जल्दी का काम खोटा होकेला। और वैसे इतना जल्दी के कराबा? तोहरा के राज सरिता के घर से बाहर फेंके के क्या वो करोड़पति के जल्दी बा हमारे अल्लाह की गाय के अपने घर ले जाके बांधे के? राज बेटा, ये अच्छा नहीं के हो। मुरली मनोहर, जाने कब समझी हमारी भोला भाला बेवकूफ कि सरिता ओकरा से प्यार करेले, ओके चाहेले, काहे अलग कहे चाहतड़ा? ए प्रेम दीवानी सरिता के ओकरे राज जी से कोनो चमत्कार करो प्रभु, नहीं तो आप पर से भरोसा उठ जाए। विनती करते नहीं आपसे, सुन रहल बड़ा? सिर्फ एक दिन, सिर्फ काल के ही दिन बा हमरे पास, सिर्फ एक दिन बा आपके साथ राज जी, ओकरे बाद तस्वीर में भी हमने साथ ना रह सके नहीं, मतलब ही का रह जाए ए तस्वीर के। इतना काहे रोत नहीं दादी? सरिता जी खातिर इतना अच्छा रिश्ता मिलल बा, जी भर के प्यार करियन विक्रांत सरिता जी से, 10 साल उनकरा के तकलीफ ना दियन जैसे हम देनी। पत्नी के प्यार, पत्नी के दर्जा, पत्नी के सुख सब मिले उनकरा के, और हम कोनो जल्दबाजी नहीं करत। उता परसों विक्रांत के बेटा अभिमान के छुट्टी बा स्कूल के, यही से हमने के परसों के तारीख तय कर बने सगाई खातिर, और सगाई बना शादी थोड़ी बा। अभी कुछ दिन और बड़ी तार अल्लाह के गाए जा, तो जी भर के समय बिताला उनका साथ है। रोवा मत,
चलो लोग तैयारी करे, एक बार बहुत धूमधाम से हुई सगाई। हाँ भैया बहुत धूमधाम से करेंगे, पर हम सगाई में पहनब का पता बा, बहुत दिन से हम शॉपिंग भी नहीं की कहले। हाँ शॉपिंग नहीं क्यों कहले, आज तू जा जी भर के शॉपिंग करा बिल। बस हम दोनों शॉपिंग ना कहीं नहीं, हम तीनों शॉपिंग नहीं की कहले। ला अरे करे दी, चला चला चला। और हम बैठ के मेहमानन की लिस्ट बना देते, और खाए पिए की चिंता तो तू हमरा पर छोड़ दा। हाँ चला। जिनकर सगाई बा उनका बताई नहीं कि उनकर सगाई बा परसों, या फिर ये फैसला भी आप खुद ले वेवानी भैया का जबरदस्ती करके उनका के सगाई में बिठा दे। कोनो जबरदस्ती ना हुई सरदा जी के साथ, एक खुशखबरी उनका के हम खुद दे। पता ना कितना टाइम लगाई भैया भाभी के प्यार समझे में, बड़ा ही नहीं उनकर पुनर्विवाह करवावे वाला। सही मायना में भाभी के पुनर्विवाह करवावल के आप उनका सिर्फ दुख देहा, ओकर अलावा कुछ भी ना। तस्वीर टूट गई हमने के, माना जैसे ही तस्वीर अभी कह रहा लोके कि हमने के अलग होके के समय आ गई बा। आई सर, हमने के वो सगाई खातिर अंगूठी चाहिए के जरूर इंकर मंगेतर खातिर। बैठी आप इंकर के रिंग्स दिखाई? जरूर सर। आप सेलेक्ट करी हमा होता नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट आई नहीं। इली मैम ओरिजिनल डायमंड बा, पूरा 1 कैरेट सुपर डिलक्स क्वालिटी बा। और ये देखी मैम, और यो देखी, ये बिल्कुल नया पीस आयल बा, पसंद करी? कैसन बा? अच्छा बा ना, हमरा के देखते ही पसंद आ गेल रहे। दिव्या पर बहुत अच्छा लगी। ये दिव्या खातिर नहीं के, हमार छोटू खातिर बा। हाथ आगे बढ़ाई। लगा था ना सुंदर? का भइल, काहे मीरा भाई बन गले बानी? ना चेहरा पे खुशी बा, ना दुख बा, ना कोनो रिएक्शन। इतना अच्छा ब्रेसलेट लिया नहीं। अब अंगूठी पसंद करी, हम पैक करा के आओ। राज जी दाम तो देख ली? सस्ता बा। एक मिनट दिखाई। तब बहुत महंगा बा। आपके पुनर्विवाह करावत नहीं, मनपसंद गिफ्ट भी नहीं दे सकत। यह अंगूठी तो बिल्कुल वैसे ही बा जैसे पापा हमरे और राज्य के शादी खातिर खरीद ले रहा ना। कले नहीं पसंद? बहुत अच्छा बा, विक्रांत के हाथ पर बहुत अच्छा लगे। सर मैम के मंगेतर के अंगूठी के साइज का बा? राज्य हाथ दिखाई। काहे दी ना?
ये का करे दनिया, ये आपके मंगेतर विक्रांत खातिर बा, हमरा खातिर ना। सरिता आप एकरा के भी पैक कर दी। जी सर। हमरा शॉपिंग ना करे के हम बता रहल बानी ना तूनी लोगन के काहे जिद कर तड़ू। अरे देख तला भाई साहब, फंक्शन खातिर कौन अच्छा अच्छा कपड़ा दिखाई ना। हाँ, और हैवी होवे के चाहिए। हाँ काहे ना, ये देखिए मैडम, एकदम लेटेस्ट कलेक्शन बा, आपके जरूर पसंद आई। अरे वाह, हाँ ये हमरा पर अच्छा लागे ना, पर हमरा पर ये फिट ना होए। तू तो रहे ही दा भाई साहब, कौन और वैरायटी दिखाई ना। हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए बहुत ही अच्छा बा, ये भी आपके पसंद आई। अरे पता बा, ये वाला ड्रेस ना हम ना टीवी शो में कोनो डांस परफॉर्मेंस में देखले रहनी, ये बहुत अच्छा बा। शीला दीदी अच्छा लगी ना, दीदी आप ट्राई करी ना। देखे ना, ट्राई करी ना। हमरा ना सगाई में इंटरेस्ट बा और ना ही कपड़न में, हमरा के जिद मत करत होनी लोग, चुप। अच्छा ठीक बा, आप जाकर ट्राई तो करी, अगर पसंद ना आए तो देखल जाए, बाकी बात बाद। अरे मुन्नी, अरे पहन के तो देखा ना, चला चला पहन के देखा। हां चला जा, जा और ट्राई करा। अरे शीला दीदी चेंज कर रहनी है, तब तक हम दूसरी दुकान से देख के आए का। गुड आइडिया, चला। शीला दीदी सुना, हाँ आप चेंज कर ली, हम 5 मिनट में दूसरी दुकान से देख के आवेनी, ठीक बा। ठीक बा, चला चला, हमने बाजू में बहुत अच्छा दुकान देखनी है। ओके ओके, वहाँ जाए, चला। बबली तू प्लीज मैम कुछ मत कहिए, हमार बात सुनी। मैम हम वो नहीं की जो आप समझतनी, हमार नाम बा गुरु, गुरु, और हम ही जगह पे काम करतनी। प्लीज मैम, आज हमार नौकरी के पहला दिन बा, और अगर आप कोनो हंगामा कहीं नहीं, कुछ भी शोर मचे नहीं, तो ये लोग हमके नौकरी से निकाल दिए हैं। आई रिक्वेस्ट मैम, प्लीज कुछ मत कहीं। क्यों भाई, हाँ देखा ही, ये लड़का हमारे साथ बदतमीजी करता। काबिल भाई का कहला सी बदतमीजी करता ही। देखी मैडम, हमके ना पता बा कि आपके हमसे का प्रॉब्लम बा, लेकिन आप जब भी हमसे मिले नहीं, हमरे लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देवी नहीं। हम आपके पीछा ना करता नहीं, हम ही दुकान में नौकरी करे नहीं, और चेंजिंग रूम से कपड़ा ले आवल हमार ड्यूटी बा, हमार जॉब बा मैम। चुप, बिल्कुल चुप। देख ना रहल बा लड़की कितना घबराइल बड़ी, तू जैसे लड़का के हम बहुत अच्छा तरह से जाने नहीं। लड़कियन के चेंजिंग रूम में ताकल झाकल तुहार काम बा, तू जैसे लड़का के तो पुलिस चौकी में बंद होके के चाहिए, अभी पुलिस के बुलावे नहीं। एक मिनट मैडम, पुलिस बुलावे की जरूरत नहीं है, हम एकरा के एजा सजा दे दे। का सजा दे बाई के? हम एकरा के नौकरी से निकाल दे। जा निकल जा जैसे, और फिर कब एजा दिखला तो टांग तुड़वा दे। सॉरी मैडम, किस्मत ही खराब रहल एकर, पहला ही दिन काम से छुट्टी हो गई, बेचारा बहुत गरीब रहल, पैसा के बहुत जरूरत रहल एके। ना इनकर बात पे विश्वास आबेला और ना ही उन लड़का के, हमरा काहे लागेला कि ये रोहन ही बा गुरु ना। हमरा आज ही बात राज भैया और सरिता भाभी के बतावे के हुई। आपके मंगेतर विक्रांत खातिर बा, हमरा खातिर ना। काहे रहो दनिया, का बात बा बताई। देखिए इतना तो हम समझ सकते नहीं कि हमार छोटू कोनो बात के लेके परेशान बा और हमरा से छुपावता, दोस्त कहीं नहीं ना,
तब अपन दोस्त के अपन दिल की बात ना बताए, देखिए बता दे कहीं देर ना हो जाओ। और हमने के चाहत कि आप कोनो भी ऐसा बात से दुखी हो कि जो हमरा पता ना हो के छुपाई मत। आप चाहे कहते नहीं राज जी, हम माँ बाप से और छुपा ना सके नहीं, हम के आपके सब कुछ बतावे के कि हम हमें शादी के लेके बहुत परेशान बने, बहुत डर बा हमरे मन में, पता ना काल कहा होगी। काल के डर केकरा ना होला सरिता जी, लेकिन हमारी यकीन मानी आपके आवे वाला हर कल खुशी से भरल होई। और अगर ये रिश्ता में खुशी ना होके ता सिर्फ बंदिशे होके, सिर्फ अभिमान हो और कुछ ना होके ता ऐसा मत सोचे सरिता जी। इतना साल बाद आपके जिंदगी में इतना बड़ा खुशी आवता, ऊपर संदेह मत करी। 10 साल आप अपन जिंदगी के एक खोखला शादी के दिले बनी, अभी को नया रिश्ता में बंधे जाता नहीं। हम समझ सकते नहीं आपके डर, हम जानते नहीं आपके दिल विक्रांत पे काहे भरोसा नहीं करे के चाह हमरा वजह से। याद करी 10 साल पहले जब आप अपन पिता के घर छोड़ के बहू बन के घर में आई, हजारों सपना लेके, हजारों उम्मीद लेके ये परिवार से, अपन पति से, लेकिन पिछले 10 साल में एक बेजान रिश्ता के ढोहत आल बनिया। आपके सारा सपना, सारा उम्मीद झकोटिया निवास के दीवार में चुना गई बा, और बस यह डर आपके खाए जाता कि जिंदगी में फिर से आप वही गलती ना दोहरा दी। हम समझ सकते नहीं सरिता जी, हमार विश्वास करें, हम विक्रांत के परखले बनी जनले बनी ओकरा के, हमरा पूरा यकीन बाकी वो आपके हर वो खुशी दी, पत्नी के दर्जा दी, पत्नी के मान सम्मान प्यार उस सब कुछ दी जो हम ना दे पाई। आपके का लगा था कि अगर हमरा विश्वास ना भैल रहे थे विक्रांत पर था हम ये रिश्ता होके देती। बहुत खुश रहा बाप ओकरा साथे, राज्य सुखी तम एहू जवानी खुश बानी हम आपके साथ। हमें घर से नहीं की गई चाहत, हम के चाह बहुत सुकून मिलेला। जब मन भारी होकेला ना तो दादी के गोद में सर रख के सो सके नहीं, हम शीला से बात कर सके नहीं। आपके माँ चाहे हमके जितना ताना मारे पर है तो हमार भी माना। राजी आपके नहीं के पता एक घर में, एक घर के कमरा में हमके कितना सुकून मिलेला। भले ही हमने अलग अलग सोते नहीं पर रोज सवेरे उठ के जब हम आपके चेहरा देखी नहीं ना तो वो अलग ही खुशी मिलेला। आपके कमीज में बटन लगावल, आपके छोट छोट काम के लिए में हमके बहुत खुशी मिलेला। हमके ऐजा से निखे जाए के हम ऐजा कोनो कोना में रहले आपकी परेशान भी ना कर। अब कबो पर सरिता जी आप दिव्यक लाल जाते हैं अपनी जिंदगी में, आप ले आयो करा, आप कबो कुछ ना बोलब, आप दोनों के बीच कबो ना आए, बस आप के देखत रहो और कुछ ना कहो। सरिता जी बस बस बस, हम समझ सकते नहीं आपके डर, डरे को नया रिश्ता शुरू करेंगे, लेकिन हमारे विश्वास करें सरिता जी, हम आपके कबो अकेला ना छोड़ा, हर मोड़ पर हर कदम पर ये दोस्त आपके साथे होई। हम पूरा ध्यान देव और नजर रखे विक्रांत पर कि आपके वो खुशी देता जो आपसे वादा के लिए रहे कि ना। सरिता जी हम बस चाहते नहीं कि हमारे छोटू के जिंदगी के अधूरापन दूर हो जाओ, एक स्थिर रिश्ता में जिंदगी के नया रूप से देखा बाप। बहुत खुश रहा बाप विक्रांत के साथ है। स्माइल तनी भी ना, चली जोन काम बाहर अधूरा छोड़ के आ गई नहीं पूरा करके आ जाएगी। बेटा अच्छा से बनाइया हलवा। हाँ सोहन विदिशा फोन करवाईला सरिता के मायके। दादी बाऊजी पता भा का भाई
का भइल? अतना डराइल कहाँ बाड़ू? ऐसा लगा था जैसे कोनो घर के बाहर हवा कोनो भेड़िया देख ले हो खा। शीला, तोर चेहरा पीला कहाँ पड़ गई बा बेटा? दादी रोहन मिलल रहे हमरा के। रोहन आज भी शॉपिंग करत समय वो हमारे सामने आयल रहे। हाँ वो कल भी मिलल रहे हमरा के लाके लाए वो पीछा करा था हमार। अरे लेकिन राज तो के अंदर करवा ले रहा। अरे ओकर तो जमानत भी ना भइल। वकील बतावत रहा ना बाऊजी वो बाहर ही बा। कल भी हम माँ के बतावल चाहनी बाकी बता ना पैनी। बाऊजी उस साये के तरह रोज हमार पीछा करा था। हम बहुत डर गल रहनी बाऊजी। वो अपन रंग रूप वेश सब बदल देलस बाऊजी। हाय राम हमारे बेटी के किस्मत में का लिखल बा। अरे हरियाणवी फटफटी अभी भी ते अपने किस्मत पर रोना रोवत अड़े बैठ के। अरे बच्ची हा कोनो गलत फहमी हो गई होगी डर गई बा हने बेटा केहू और के देख ले ले हकबो। ना दादी ऊ रोहन ही रहे। हम जरा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा के आओ। रुका रुका शांत रहो। अभी राज आवे वाला बा ना रोहन के पुलिस पर शिकायत के बारे में वही के सब कुछ मालूम बा ना। घर आ जाए पर जैसन का वैसन कर लिया। ऐसन मामला में जल्दबाजी ठीक ना हो खेला समझल कर। ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगे। देखें देखने आप कितना खूबसूरत लगा था नहीं हमार चॉइस में। ऐसा लगा था माना चांद जमीन पे उतर के आ गए लोगे। कल सगाई के रसम सरिता ही पहनी। आप भेजा सगाई के शॉपिंग कर रहे रहनी हम। हमार बेटा जिद करत रहल कि हम ओकर नई मम्मी खातिर एगो गिफ्ट खरीदी। बच्चा के जिद पूरा करे के पड़ेला ना। बिल्कुल वैसे अच्छा बेल के आप मिल गए नहीं। 5 मिनट बाप के खा कुछ बात करे के रहे। जी हमने क्या भी आवता नहीं अब देखी कुछ पसंद आवता था। अभिमान आपसे बात करल चाहता प्लीज। विक्रांत सरिता जी काफी नर्वस पड़ी। देखी एगो नया रिश्ता बा दूसर शादी और घबरा तरी कह के हमरा से दूर जा तरी। हमार मतलब है कि 10 साल से हमरा साथे हमार परिवार के साथे हमार घर में रहता आयल बड़ी तो एगो आदत सा हो जाला एक दूसर के। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम बस ये चाहते नहीं कि आप बस हमरा के ये बात के आश्वासन दी कि आप सरिता जी के वो प्यार वो खुशी देव जो ने को पत्नी के हक बा। अब कितना भी बिजी होगी अब बस उंगरा के कबो अकेला मत छोड़ा। जोन आदमी अपन पत्नी के पुनर्विवाह करा रहल बा ओके तलाक दे रहल बा ओके साथ जियल ना चाहता वो आदमी खातिर आपको ज्यादा चिंता ना करता नहीं? शायद करता नहीं लेकिन विक्रांत 10 साल हम सरिता जी के खाली दुख दे ले बानी एक बेजान रिश्ता दे ले बानी। आज जब दोबारा उनकर शादी कराओ तो नहीं था हम चाहते नहीं कि उनका के वो सारा सुख मिलो और इतना चिंता करे के ता हक बा। चिंता ही बाना राज कहीं प्यार तो नहीं की केहू भी डील के साइन करे से पहले हर एक पहलू के जांच लेवल चाहता नहीं यही खातिर पूछा था नहीं। हम जानते नहीं बस हम ये कहा विक्रांत की रिश्ता और बिजनेस के एगो तराजू में ना तो लेके चाहिए और जहां तक हमार और सरिता जी के बात बा हम आपसे सिर्फ यही से कहते नहीं क्या कि हम तीनों के बीच में कभी कोनो गलत फहमी ना होगी। हम और सरिता जी बहुत अच्छा दोस्त बने सिर्फ दोस्त। हम दोनों एक दूसरे से प्यार ना करें नहीं एक दूसरे के चिंता करें नहीं एक दूसरे के परवाह बा और हम दोनों ही चाहते नहीं कि खुशहाल रिश्ता से हमने की जिंदगी के वो नया शुरुआत हो गए। डोंट वरी
जब तक सरिता जी हमारे बेटा के खुश रखी हैं, हम उनके कोनो भी कमी न महसूस होके दे। बस ये बात करके चाहत रानी हम। का बात कर रहल बनी आप लोग? वो ऐसा अकेले में हमरे बारे में? हाँ हम पैकिंग करवा देते नहीं, पेमेंट कर देते नहीं। ये आपके फोन सारी ली रहा आपके पैकेट। ये हमने के वो लाल वाला पसंद का ले रहा नहीं, लेकिन ये पसंद हमार बा और सरिता कल ये है पहनी। आपके अलावा ये ड्रेस केहू के पास ना होगी। कल सगाई में आपके ये डिजाइनर सूट में देखा, और हाँ इराद के पसंद से कहीं ज्यादा बेहतर बा। जिंदगी भर के खातिर कपड़ा खरीदे गई हा उड़ा छछुंदरी खातिर, और बहिन पर इतना बड़ा मुसीबत पड़ल हा, और इस साहब लगल बा अपन बीबी की शादी के तैयारी में। ये रोहन नाम के ग्रहण हमार बेटी के जिंदगी से कब हटिए? रोहन ओकर का भैया, वो रोहन ही रहे भैया, हम अपन आँख से देख ले बानी। हमरा बहुत डर लगा था भैया। का बात करत रहू तू, ये मुमकिन नहीं कि वो जेल में बा। ना भैया, जब हमने सगाई खातिर कपड़ा खरीदे गए रहनी की ना, तो पता नहीं कहां से आ गए। शीला दीदी बहुत हल्ला मचा ली, तब जाके ओकरा से पीछा छूटल। इतना घमंड अच्छा नहीं की तू हमसे बैर ले रहल बड़ू, और हम कभी भी अपने दुश्मन के माफ ना करेंगे, याद रखिया। अब समझ में आई, ओ दिन जब हमके रोहन जी के माँ मिलल रहली तो उतना बेफिकर काहे रहली, हमके सबक सिखाए के धमकी देत रहली हूँ। बता नहीं ना, खैर और हमरा समझ में नहीं क्या होत कि ओकर जमानत कैसे हो गई। अरे राज बेटा, अपन देश में हर जगह पैसा ही बोलेला, ये पैसा वाला कुछ भी कर जा लें। अरे ये केस तो कुछ भी न बा उनका रखाते। हम ये पुलिस स्टेशन जाते नहीं और देखते नहीं खुद का बा। राज जी, हम आपके साथ चलते नहीं। भैया भैया, हम चलता नहीं आपके साथ है। सर हमने के सिर्फ ये देखे के चाहते नहीं कि रोहन लॉकअप में बाकी ना। देखिए ऐसे हमने के केहू के कौनो कैदी के बारे में जानकारी नहीं दे सका था। कुछ कायदा कानून बाकी ना, जाए जुर्म से मिले बात तो पहले कोर्ट से ऑर्डर लेके आई। भाभी भैया, हमरा तो लगातार रोहन अंदर बाही ना, ऐसी हमने के मिले ना दीवे चाहेला। ठीक बस सर, हमने के अपन वकील से बात कर लेता नहीं, वह आपसे बात कर लिया। राज जी, हमके लगा था ई लोगो कैदी से मिलल बड़े, ओकर जगह अंदर के और के बैठेले होखे। राज जी, अगर ई हमने के उससे मिले ना दिया ना, तो हमने इन पर केस कर देवे के। आप बुलाइए वकील के। आप हमरा पे शक करता नहीं? हमरा पे ब्लेम लगाओ तो नहीं कि हम गले बनी? आइए हमरा साथ है, हम दिखाओ तो नहीं कि रोहन बाकी ना। सर हमने के सिर्फ ये देखे के चाहते नहीं कि रोहन लॉकअप में बाकी ना। देखिए ऐसे हमने के केहू के कौनो कैदी के बारे में जानकारी नहीं दे सका था। कुछ कायदा कानून बाकी ना, जाए जुर्म से मिले बात तो पहले कोर्ट से ऑर्डर लेके आई। भाभी भैया, हमरा तो लगा था रोहन अंदर बाही ना, ऐसी हमने के मिले ना दीवे चाहेला। ठीक बस सर, हमने के अपन वकील से बात कर लेता नहीं, वह आपसे बात कर लिया। राज जी, हमके लगा था ई लोगो कैदी से मिलल बड़े, ओकर जगह अंदर के और के बैठेले होखे। राज जी, अगर ई हमने के उससे मिले ना दिया ना, तो हमने इन पर केस कर देवे के। आप बुलाइए वकील के। आप हमरा पे शक करता नहीं? हमरा पे ब्लेम लगाओ तो नहीं कि हम गले बनी? आइए हमरा साथ है, हम दिखाओ तो नहीं कि रोहन बाकी ना। ये रहल रोहन, अब तो यकीन भाई? ई रोहन नहीं खे। हे हटा,
रोहन, रोहन, इतना जेल में ही बास शीला भाभी, लेकिन सब तोहरे वजह से कुछ न भूलल बानी हम। ई सजा तो कुछ दिन में खत्म हो ही जाई, लेकिन जौना दिन हम यहां से बाहर निकल गई ना, तहनी सबसे बदला ले हब। और शीला तू, तोरा तो हम जिंदगी भर ना छोड़ब, उठा कर ले जाए तोहके। और हमार बात माना, ए बार तोरा कोई ना बचा पाई, ना ही तोहार परिवार वाला और ना ही तोहारी भैया भाभी कुछ कर पाई हैं। एक शब्द और बोला ना तो यही जा लॉकअप में सबका सामने पीटब तारा के। कुछ ना कर सकेला तू। हे, बिल्कुल चुप, देख लेनी आप लोग, चलिए हमरा साथ है। आई तू दोनों देख रहे रहा लग रोहन के ना भैया, जब तक खबर नहीं आई नहीं तब तक वो जा चुकल रहा। तो पहले ऐसा काहे कला लो कि देख ले बड़ा लो, मजाक भाई का ही। भैया भैया वो रोहन ही रहे, और ये बात हम दावे के साथ कर सके नहीं, हम उकरा दो दो बार देख ले बानी भैया। ये शीला के दिमाग खराब हो गया, खा मखा राय के पहाड़ बना देला सी। माँ, इस समय शीला के डांटे के या गाली देवे के नहीं खे, ठंडा दिमाग से होकर बात सुना और समझा। भैया वो रोहन ही रहे भैया। शीला तू अंदर जा। भाभी तू अंदर चला, कुछ नहीं किया भाई, सब ठीक हो जाए, चला हमारे साथ। और आप सब एको बात कान खोल के सुन ली, आज के बाद शीला से रोहन के बाद केहू ना करे। और अगर शीला बात करास तो बिना होकर दिल दुखाइले बात के टाल दिया, सुन लिया चुपचाप। बेचारी जोना सदमा से गुजर दिया, ओकरा बाद हो सका था कि ओकर भ्रम होके। और आइंदा से ऐसा मजाक ना मुन्ने। सॉरी भैया। शीला हो सकेला तुम्हारे मन में कोनो वहम आ गेल होके। ना भाभी वो वहम ना रहे, थप्पड़ मार ले बानी हम ओकरा के। भाभी वो शॉप में भी हमारे सामने खड़ा रहे, हंगामा भल रहे वहाँ, वो रोहन ही रहे भाभी। शीला हो सकेला रोहन के लेके तुम्हारे मन में डर बैठ गए होके, तू अपने आँख से होके जेल में देख लू ना। हाँ देख ले बानी हम उकरा, लेकिन बाहर भी देख ले बानी भाभी, और एक बार ना दो दो बार हम उकरा बाहर देख ले बानी। हम अकेला ना रहनी, हम सबके बीच रहनी भाभी। वो रोहन ही रहे भाभी। आप शॉपिंग मॉल जाए और जाके वहाँ पूछ ली, वो शक्ल के आदमी रहे। अब आप ही बताई भाभी, एक शक्ल के दो दो आदमी कैसे हो सकेला भाभी। वो रोहन ही रहे, और वो जरूर हमरा साथे कोनो खेल खेलता, हमार पीछा करता भाभी। पर शीला भाभी बस हम जाना था नहीं, आप लोग हमार बात के विश्वास ना करब, बाकी हम साबित करके जरूर रहब कि वो रोहन ही रहे। भाई सब कल पहने खातिर आपके कपड़ा, कल मम्मा तो बहुत सुंदर लगी हैं, फिर आपके भी तो सुंदर लगे के चाही। अच्छा तो हमके भी सुंदर लगे के चाही। बेटा आपके डैडी नेचुरल सुंदर बने, उनका ये सब अच्छा कपड़ा पहने की जरूरत नहीं की, समझला। प्लीज डैडी, आपके कुछ तो अच्छा पहने के ही पड़ी ना, तो फिर आप हमरा के ये पहन के दिखाएं। डैडी फास्ट दूसर भी ट्राई करे की बा। डैडी जल्दी करी ना।
सरिता जी काफी नर्वस बाड़ी, दूसर शादी और घबरा तरीका कि हमरा से दूर जाते रही। हमारा मतलब है कि 10 साल से वो हमारा साथ है, हमारे परिवार के साथ है, हमारे घर में रहता आई बड़ी, तो एक आदत सा हो जाला एक दूसर के। ये ठीक बा, तोरा पर ठीक लगा था ही। अब आप ये पहनी। ये अच्छा, दोबारा उनकी शादी कराओ तो नहीं था। हम चाहते नहीं कि उनकर के सारा सुख मिलो और इतना चिंता करे के तहक बाना। ओहो डैडी, आपके कहां पर ध्यान बा? आप मम्मा के बारे में सोच रहल बानी ना? यू लव हर ना? आई आल्सो लव हर। ये भी अच्छा ना हा। हमरा के याद आयल, मम्मा के कौन सा कलर पसंद बा? मम्मा के ये वाला कलर पसंद बा। मम्मा हमरा के शॉप में बदौले रहनी। ना, सरिता हमार बेटा के साथ दगाबाजी ना कर सकेले। उस सचमुच अभी से प्यार करे लगल है। डैडी जल्दी करी ना। हमर सरिता जी बहुत अच्छा दोस्त बनी, सिर्फ दोस्त। हम दोनों एक दूसरा से प्यार ना करे नहीं, एक दूसरा के चिंता करे नहीं, एक दूसरा के परवाह बा। हम भी बेवजह शक करे लगनी। राज और सरिता के बीच अगर कुछ होखत तो काहे वो शादी खातिर सरिता के राजी करवावत? सरिता जी काहे हाँ करती ये रिश्ता खातिर? सरिता हमरे पसंद के ड्रेस पहनी और हम उनके पसंद के रंग के। दी कहाँ जा रहल बानी आप? ओ कल हमी जौन दुकान में गल रहनी ना, वहे जा रहल बानी। ओ ड्रेस ऑल्टर करे देले रहनी ना, वहे लेवे जाता नहीं। पर वापस वही जा? अरे नाना सिला, तोरा के वहाँ जाए के कोनो जरूरत नहीं खे। ये देखा, हम तोरा खातिर कितना अच्छा ड्रेस लेनी हा। माँ, ये ड्रेस आप ही ना? कितना नखरा बा तुहार ड्रेस के। चला ठीक बा, दोसर मंगवा देब। एक बात सुन लो, दोबारा वो दुकान पर ना जाइबू, बस। माँ, इतना भी का डरे के? पर दीदी, वो लड़का जोन कार मिल रहा है, वो फिर से टकरा गिल तो। हाँ। कुछ हो ना होई मुन्नी, हम संभाल ले अब ना। तो चिंता मत कर, हम आवतानी हाँ, बाय। हे भगवान, ये औलाद तू अक्षर का पढ़ लेलस? केहू के सुनवे ना करिए। वाह, कितना अच्छा मेहंदी बा। सच में बबली, तू बहुत अच्छा मेहंदी लगैलू हा। तू मेहंदी में ही अपन करियर का ना बना ले तड़ो? हाँ बिल्कुल, लोगन के लाइन लग जाए तुम्हारे सामने मेहंदी लगावे खातिर। चलो अभी जल्दी समो की मेहंदी लगा दो। नाना, बहुत टाइम लगेगा मेहंदी लगावे में, पहले ना खाना। हाँ, पेट पूजा करने के बाद ना पता रहे। हाँ। हमके पता बा, हम चीज पकौड़ा बने ले बनी का बात कर रहे। हाँ, चलो चलो, चलो, चलो। चलो।